आज हम क्लास 11 की केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जिसकी यूनिट सेकंड है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसका टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। आज हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन मोस्ट इंपोर्टेंट दिस टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जो क्लास 11th में तो है ही है, साथ साथ में क्लास 12 से भी कनेक्टेड है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट दिस टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। लेकिन इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन बनाने से पहले हमें कुछ वर्ड्स, जैसे एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेल। एटम में पाए जाते हैं सेल, सेल के अंदर पाया जाता है सब सेल। सब क्या होता है, सब सेल। सेल के अंदर सब सेल, सब सेल के अंदर होती हैं ऑर्बिटल। क्या होता है, ऑर्बिटल के अंदर में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। तो एटम के अंदर प्रेजेंट है सेल, सेल को रिप्रेजेंट करते हैं के एल एम और एन। ये आपने क्लास 9 और 10 में पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन अकॉर्डिंग टू बोर रूल, के एल एम एन। जैसे फॉर एग्जांपल ये होता है हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, वो रिवॉल्व करता है। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, इलेक्ट्रॉन है वो एटम के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व होता है। तो ये के सेल है, फिर इसके बाद एल एम एंड एन। इसके अतिरिक्त भी सेल है के एल एम एन, ये आपने 10th क्लास में केवल 4 के एल एम एन तक पढ़ा हुआ है, के एल एम एन ओ पी। तो यहां हमें के एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं सेल को। सब सेल बीज आर 4 टाइप, एस पी डी एंड एफ। सब सेल है वो 4 होते हैं, एस पी डी एफ। इसके अतिरिक्त ऑर्बिटल एस में 1 ऑर्बिटल प्रेजेंट रहती है, एस में ओनली 1 ऑर्बिटल प्रेजेंट है। पी में 3 ऑर्बिटल होती हैं, 3 ऑर्बिटल। डी में 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट रहती हैं और एफ में 7 ऑर्बिटल प्रेजेंट रहती है। एस सबसेल के अंदर 1, पी के अंदर 3, डी के अंदर 5, एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल प्रेजेंट रहती हैं। और 1 ऑर्बिटल के अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं। जैसे सपोज ये ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिलअप होता है। तो 1 ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप हो रहे, 2। तो एस सबसेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाएंगे वो 2 होंगे। क्लियर। पी, हाउ मेनी ऑर्बिटल प्रेजेंट इन पी सबसेल, तो 3 ऑर्बिटल। तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से करें तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे पी सबसेल के अंदर, 6। इसी प्रकार से डी सबसेल की बात करें, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट है और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, तो टोटल कितने हो गए, 10। टोटल कितने हुए, 10। 7 मल्टीप्लाई 2, तो एफ सबसेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप हुए, 14। तो ये पॉइंट याद रखना है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हम बनाएंगे तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है, एफ सबसेल के अंदर 2, P के अंदर 6, D के अंदर 10, F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन फिलअप होने हैं। सबसे पहले ये चीज, अब आती है S, P, D, F सबसेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फिलअप, हमने टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फिलअप होते हैं वो सीख लिया।
कि कितने इलेक्ट्रॉन फ्लैप हो रहे हैं। तो अब फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन पर आने वाला हूं, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम अपने टॉपिक इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन पर इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन टॉपिक पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हाफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो हाफ प्रिंसिपल ने क्या कहा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस सबसेल के अंदर एंटर करेगा जिसकी एनर्जी लो होगी। तो ये ही मेन पॉइंट है कि कहां इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एंटर कर रहा है जिसकी एनर्जी लो है। सबसे पहले मेन पॉइंट उस पर फोकस करना है कि हाफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस सबसेल के अंदर एंटर करेगा जिसकी एनर्जी लेस होगी। तो हाफ प्रिंसिपल 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p 7p 3d 4d 5d 6d 4f 5f। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो एंटर करेगा वो फर्स्ट s सबसेल के अंदर एंटर करेगा, फर्स्ट s सबसेल, क्योंकि इस सबसेल की एनर्जी सबसे कम होती है। इसके बाद फर्स्ट s के बाद जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो 2s में एंटर करेगा। फर्स्ट s के बाद कहां जा रहा है, 2s में। इलेक्ट्रॉन 2s के बाद जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो 2p में जाएगा। ये यहां मेरी वाली बातें हैं कि 2p के बाद तब आएगा 3s में, 3s के बाद जो इलेक्ट्रॉन करेगा वो 3p में एंटर करेगा, 3p के बाद 4s में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, 4s के बाद जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो 3d में, 3d के बाद 4p में, 4p के बाद 5s में, 5s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 4d में, 4d के बाद 5p में, 5p के बाद 6s में, 6s के बाद 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s और 7s के बाद 5f, 6d, 7p, etc। तो ये इलेक्ट्रॉन अभी हम इस टॉपिक में पहले ही पढ़ चुके हैं, सबसेल 4 होते हैं s p d और f। s p d f के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं सबसेल को, पहला सबसेल s होता है, दूसरा p, तीसरा d और चौथा f। तो s सबसेल के अंदर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन s सबसेल, 2। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन p सबसेल, 6। इसी प्रकार से d 10 और f 14। क्यों भाई s में 2 ही इलेक्ट्रॉन फिलअप हो रहे हैं, रीजन क्या है? अरे s में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप, इसका मतलब मींस है कि s सबसेल के अंदर ओनली 1 ऑर्बिटल प्रेजेंट है और 1 ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं। इस प्रकार से p के अंदर 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 कितने हो गए, 6। इस प्रकार से d में 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट है, 5 मल्टीप्लाई 2 10। f में 7 ऑर्बिटल प्रेजेंट है, 7 मल्टीप्लाई 2 14। तो ये हाफ ऑफ प्रिंसिपल है जिसके अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रॉन फ्लैप करने हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 11 इसी फॉर्म करना है,
तो इसी फॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम यहां से फर्स्ट एस सबसे लेंगे, फर्स्ट एस। अब फर्स्ट एस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फिल अप किए जा सकते हैं, टू। तो ये इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेशन कर दी। फर्स्ट एस के बाद ये चार्ज कहां जा रहा है, टू एस पर। टू एस में इलेक्ट्रॉन फिल अप होगा, कॉमा लगा के टू एस टू। टू एस के बाद सबसे के अंदर 2s कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद 2p, 2p, p में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, कॉमा। तो टोटल याद देख लीजिए, पहले 2, 2, 4 और 6 कितने हो गए, 10, बचा कितना 1। तो 2p कंप्लीट होने के बाद सबसे कौन सा रह जाएगा, 3s, 3s 1। आया समझ में कि सोडियम का इसी सबसे पहले फर्स्ट एस में टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एस के अंदर ओनली टू इलेक्ट्रॉन फिल अप होते हैं। फर्स्ट एस के बाद चार्ज जा रहा है हमारा हाफ ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जो इलेक्ट्रॉन फिल अप होगा वो टू एस में, ऐसे करके टू एस में टू, टू एस के बाद इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा टू पी में, कितने, 6। टू पी के बाद कहां एंटर कर रहा है, जब टू पी कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट आती है हमारे पास टोटल 3s, 3s में 1। तो इस प्रकार से टोटल इलेक्ट्रॉन देखें, 2, 2, 4 और 6, 10 और 1, 11। तो एटम नंबर के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन फिल अप है वो टोटल इक्वल होने चाहिए। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन 17, ठीक है भाई। क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, Cl, एटम नंबर क्या होता है, 17। ये तो आप 10 क्लास में ही पढ़ चुके हैं, 9 क्लास में ही पढ़ चुके हैं भाई। 1 से लेकर 30 तक सबसे पहले एटॉमिक नंबर, सिंबल, एलिमेंट नेम लर्न कर लीजिए। तो 17, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, फर्स्ट एस, क्यों जा रहा है, रीजन क्या है। अरे रीजन वही है कि हाफ ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फर्स्ट एस सबसेल की एनर्जी क्या है, लोएस्ट। तो इलेक्ट्रॉन कहां फिल अप होगा, हाफ ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जिसकी एनर्जी लेस हो। तो फर्स्ट एस टू, फर्स्ट एस के बाद 2s2। जब फर्स्ट एस कंप्लीट हो जाए तो फिर इसकी एनर्जी कम है 2s की, तो 2s2, 2s2 के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, 2p में, तो 2p 6, क्योंकि p की कैपेसिटी कितने की है, 6 की। 2p 6 कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद 3s2, 2p के बाद 3s2 और 3s2 के बाद 3p। यहां टोटल कर लीजिए, जब तक 2 टू 4 6 10 12 और है चाहिए कितने, 17। तो 5 कर दीजिए, टोटल 5 करने पर p में 5 इलेक्ट्रॉन फिल अप करने पर 2 टू 4 6 10 12 और 5 कितने हो गए, 17। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल आयरन 26, आयरन 26। तो आयरन 26 का इसी 1s2, क्योंकि 1s की ऑर्बिटल इसकी एनर्जी कम है, 1s के बाद कहां जा रहा है, 2s2, क्योंकि s में केवल 2 इलेक्ट्रॉन, 3 नहीं कर सकते, क्योंकि क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि s सबसे पहले ऑर्बिटल वाली है, और 1 ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल अप होते हैं, 2, ओनली 2। तो यहां 3 नहीं हो सकता, 2s कंप्लीट हो गया, कहां जा रहा है ये, फिर एनर्जी किसकी कम है, 2p की, तो 2p की टोटल कितने, 6, क्योंकि p में टोटल कैपेसिटी कितने की है, 6 की, 6। जब 2p कंप्लीट हो जाए फिर एनर्जी किसकी कम है, 3s की, 3s2, 3s2 कंप्लीट हो गया फिर किसकी एनर्जी कम है, 3p 6, और 3p के बाद किसकी एनर्जी कम है, 4s2, और 4s2 के बाद यहां तक कंप्लीट, जब तक 4s पे आ जाएंगे वहां पर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन इसी हो जाता है 20 तक। अब 3d भाई 4s कंप्लीट होने के बाद कहां आएंगे, 3d पर, और d सबसे की क्या दूरी कितने की है, 10 की, तो 10 है, तो टोटल 20 है, बचे कितने, 20 फिल अप हो चुके हैं, तो 6 यहां कितना आएगा, 3d 6,
तो 1s2, 2s2, 2b6, 3s2, 3b6, 4s2 और 3d6, ये राइट इसी है आयरन का। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, Br 35, ब्रोमीन 35। कैसे ब्रोमीन सर? आपने तो 30 तक इस इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर लर्न करने के लिए बताया। तो ग्रुप 17 में, ग्रुप 17 के एलिमेंट क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उटे, कुल्लर, बरात, आई, अतुल की। ग्रुप 17 के एलिमेंट है ये टोटल। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 के हैं उटे, कुल्लर, बरात, आई, अतुल की। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 9। तो प्लस 8 ऐड कीजिए तो कितना हो गया? 17। इस 17 में प्लस 18 ऐड कर दीजिए टोटल कितना आ जाएगा? 35। तो इस प्रकार से 35 ऐसे ही ऐड करते जाएंगे तो आपको ओनली 30 तक लर्न करना है। 30 के बाद पीरियडिक टेबल में ग्रुप के हिसाब से बता दूंगा मैं। अभी आप इसको देखिए क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। तो ग्रुप ब्रोमीन 35 है, तो ब्रोमीन 35 तो हमें इसी बनाना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? फर्स्ट एस। जा क्यों रहा है? रीजन पता है सब लोगों को कि फर्स्ट एस हाफर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां फ्लप होगा? जहां जिसकी एनर्जी लेस होगी। तो 1s2, जब 1s कंप्लीट हो जाए तो 2s2, जब 2s कंप्लीट हो जाए 2p6, जब 2p के बाद 3s2, 3s के बाद 3p6, 3p6 के बाद 4s2 और 4s2 के बाद 3d10, 3d के बाद 4p, यहां तक जब 3d आ जाएगा 10, वहां 30 तक फिलअप हो जाते हैं। एटम नंबर 30 कंप्लीट हो जाएगा तो कितने बचे? 5। तो वैसे तो ये 3d क्योंकि 4s की एनर्जी लेस है कंपैरिजन 3d के, तो बुक के अंदर 3d को पहले दिया हुआ, 4s को बाद में। तो ऐसा कोई रीजन नहीं है कि 3d, लेकिन आटोमो सेल पूछे इसकी आटोमो सेल क्या है। तो आटोमो सेल देखेंगे के एलिमेंट, तो लास्ट वाली क्या है? 4, और इधर वाली क्या है? 3। तो ये 4 सेल है आटोमो सेल, इनर वाली तो जरूरी नहीं है, लेकिन कैटायन एनायन का इसी बनाने से पहले हमें ये चीज सुकेंस में लगा लेनी चाहिए, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। पीरियडिक टेबल में जितने एलिमेंट दिए हुए हैं सबका इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन फॉर्म कर सकते हैं। ये तो हाफर प्रिंसिपल, इसके अकॉर्डिंग शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, कैसे इसी बनाए? तो देखें तो एक टेबल लर्न करनी है आपको। आर्गन, क्रोटॉन, जीरोन, ये रेडॉन। ग्रुप 18 के एलिमेंट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रोटॉन, जीरोन और रेडॉन। हीलियम का एटम नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86, ये इनके एटम नंबर ग्रुप 18, ग्रुप 18 के एलिमेंट जिसे रेड गैस हीना, नीना और कैटीना, जीरो रन पे आउट, ऐसे भी ये लर्न कर सकते हैं। तो यहां पर 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s,
5F, 6D, 7P, 3S, 3P, 2S, 2P. इससे हमें क्योंकि एटम नंबर जब आपका 56 दिया है तो BA 56 का 56 BA बेरियम होता है, इसका PC बनाने तो हाफ आउट 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 3d10, 4p6, 5s2, टोटल इलेक्ट्रॉन क्लब देंगे 2, 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 37, 38, तो 5s2, 5s2 के बाद आप पाएगा 4d10, 4d10 के बाद 5p6 और 6s2, 6s2 पे जाके कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक बार काम कर लें, 2, 2, 4, 6, 10, यहाँ 30 तक हो जाता है, मैंने पहले ही बताया था, 3d तक 30, 36, 38, 48 और 2 कितने हुए 50 और 5p6 56। तो ये लॉन्ग 1s2, 2s2, 2p6। अब हमें शॉर्ट ट्रिक से फॉर्म करना है, तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे फॉर्म करेंगे देखे जरा। 56 कहां जा रहा है, जो डेट है 56, 54 और 86 के मिडिल में, भाई ये 56 इसके मिडिल में ही तो आएगी, 54 86 के मिडिल में, तो इसका लोएस्ट नंबर ले ले। तो लोएस्ट BA 56 का इसी कैसे फॉर्म करना है शॉर्ट ट्रिक में, तो कंपटीशन में है तो क्वेश्चन को जल्दी आंसर निकालना होता है, ऐसे निकालेंगे तो 1 मिनट का टाइम तो इसी बनाने में चला जाएगा, और हमें टाइम कितना मिलता है 1 मिनट एक क्वेश्चन में कम से कम। तो BA 56, तो जीनोम 54। अब इस लेकिन ये चार्ट आपको लर्न होगा तभी बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना सकते, क्योंकि अब आपको स्टार्ट कहां से करना है, डायरेक्ट 6s से करनी है। अरे 6s2, अरे क्या है 54 तो यहां कंप्लीट हो गए, 2a टोटल कितना हो गया 56, ये बन गया इसी, यहां जाएंगे 1s2 2s2 लगाते रहेंगे, लेकिन यहां पर भी ये 56 डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं, तो इसमें टाइम की भी बचत होगी, जितना टाइम कंज्यूम हो इसमें टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा, इसमें टाइम कम कंज्यूम होगा। तो सबसे पहले जैसे एक एग्जांपल और दूसरा आधा एग्जांपल ले लें, आरए 88। अब जो डेल्टा है देखो कहां है 86, 86 के बाद तो कोई नहीं, तो लोएस्ट रिजल्ट क्या होगी 86 आरए 86 बना लिया, कहां है उसके बाद कहां है 7s, अरे 7s s तो ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं, s p d और f, s की कैपेसिटी कितनी की है 2 की, p की कितनी है 6, d की 10, f की 14, पहले ही क्लासिफाई कर चुका हूं। तो 6 7s में कितने जाएंगे 2, 86 और 2 कितने हो गए 88 बन गया x क्या है इसमें, और वैसे बनाएंगे तो 1s2 2s2 एक मिनट तो यही लग जाएगा। तो शॉर्ट पैटर्न ज्यादा यूज करें कंपैरिजन लॉन्ग पैटर्न के, यदि हमारा एटम नंबर हाईएस्ट है, यदि 40 से ऊपर जा रहा है शॉर्ट ट्रिक का यूज करें। तो इस प्रकार से इस टेबल के द्वारा हम पीरियड टेबल में जितने एलिमेंट दिए हुए हैं उन सबका हम इसी फॉर्म कर सकते हैं। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आगे टॉपिक हम यहीं पर कैटाइन और एनाइन का इसी कैसे फॉर्म करेंगे वो बताएंगे। तो आज का टॉपिक में सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कैसे बनाते हैं अकॉर्डिंग टू हाफ बाउंड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो ये जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, क्योंकि 11th क्लास में तो इसी है ही है, 12th क्लास में भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन मोस्ट इंपोर्टेंट दिस टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो हम जो भी है अपनी
कॉपी में ये सब नोट डाउन कीजिए और 1 से लेकर आप 30 तक इसी फॉर्म कीजिए। अभी एक्सेप्शन नहीं बताया मैंने, अभी एक्सेप्शन को क्लियर नहीं किया है, केवल नॉर्मल इसी बताए हैं। क्लियर? सेकंड वीडियो में मैं लेके आऊंगा कैटन एनएन का इसी। थैंक्स ऑफ लॉर्ड।